नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक पुरानी ख़राब हो चुकी रिचार्जेबल टॉर्च को दोबारा रिपेयर करेंगे और इसके अंदर हम एक मोबाइल की बैटरी को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, आपको पता है इसमें जो लेड एसिड बैटरी आती है उसकी लाइफ बहुत कम आती है, वो एक साल या छः महीने में ख़राब हो जाती है और फिर हम इसको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। इसकी जगह अगर हम मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी और उसका बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गाइज, आपको पता है मोबाइल की बैटरी सबके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि जो फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाता उसको हम घर पे ऐसे ही रख देते हैं तो उसकी बैटरी को हम काम में ले सकते हैं, जिससे कि बैटरी का भी यूज़ हो जाएगा, वो भी वेस्ट नहीं जाएगी और हमारी टॉर्च भी रिपेयर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको सारी प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगी और इसका मैं आगे वीडियो में डिटेल में सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, जिससे आपको अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सर्किट डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हो। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने पूरी टॉर्च को खोल लिया है। इसके अंदर का जो सर्किट है वो पहले ही ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है और इसकी बैटरी भी पूरी तरह डेड हो चुकी थी, वो भी मैंने निकाल दी है। और इसका सामने का जो एलईडी बल्ब है और जो साइड का एलईडी स्ट्रिप है वो पूरी तरह सही है, इसलिए हम उसका दोबारा यूज़ करने वाले हैं। और इसका जो रिफ्लेक्टर है वो भी बिल्कुल अच्छा है। तो गाइज, आपने देखा मैंने एलईडी बल्ब पे पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों वायर कनेक्ट कर लिए। अब मैं वापस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको रिफ्लेक्टर के ऊपर कस देता हूँ। तो गाइज, इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी मैं मोबाइल चार्जर का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक माइक्रो यूएसबी जैक लगाना होगा, जिसके लिए मैं सोल्डरिंग आयरन की सहायता से एक छोटा सा होल कर लेता हूँ, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा माइक्रो यूएसबी जैक आराम से लग जाएगा, जिस पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के दो वायर मिल जाएंगे। आपको देख के इस पे कनेक्शन कर लेना है, या तो आप कलर कोड के हिसाब से देख सकते हो, वरना आप इसको चार्जिंग लगा के या मोबाइल जैक में लगा के मल्टीमीटर से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हो। अब गाइस, चार्जिंग इंडिकेटर के लिए मैं एक रेड एलईडी का यूज़ करने वाला हूँ, जिसकी बड़ी लेग पॉजिटिव है और छोटी लेग नेगेटिव है। इसके साथ हमें 220 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारी एलईडी की प्रोटेक्शन हो सके और ये ख़राब ना हो। तो गाइस, अब हम इस एलईडी को जो हमारी बैटरी की बॉडी में चार्जिंग इंडिकेटर के लिए जो स्लॉट बना है उसमें लगा देते हैं। और अब हमें एक डायोड ले लेना है, जिसे हम जो हमारा माइक्रो यूएसबी जैक है उसके पॉजिटिव पे इसको कनेक्ट करना है। तो गाइज, अब मैं इसके सारे कनेक्शन कर लेता हूँ और अगर आपको कनेक्शन में दिक्कत हो रही है तो इसके आगे आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, जिसे देखकर आप आसानी से इसके सारे कनेक्शन समझ सकते हो। तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायोड की जगह चार्जिंग मॉड्यूलर का यूज़ करें। मेरा चार्जिंग मॉड्यूलर फ़िलहाल ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं डायोड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास चार्जिंग मॉड्यूलर है तो आप उसका ज़रूर यूज़ करें। तो गाइज, अब इसके जितने भी कनेक्शन हैं उसकी डिटेल आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हो, इसमें पूरी तरह क्लियर तरीके से दिखाया गया है हर चीज़ को। तो गाइज, हमारे अंदर के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमारी जो मेन लाइट है उसके कनेक्शन कर देते हैं और उसके बाद इसके जो बॉडी है उसको हम वापस बंद कर देंगे। और गाइज, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको सारे सर्किट डायग्राम और डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो गाइज, आप देख सकते हो हमारे बाकी सारे कनेक्शन तो हो चुके हैं और अब हमें एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो एलईडी लाइट और एलईडी स्ट्रिप है वो 1.5 वोल्ट से चलने वाली है, जिसके लिए हमें यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारी बैटरी 3.7 वोल्ट पे रन करती है और इसे हमारी एलईडी लाइट जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो एलईडी लाइट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, जो कि स्विच के मिड पॉइंट पे है, जिससे कि बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई आपको स्विच में मिल जाएगी और स्विच से दोनों लाइट पर मिल जाएगी। तो गाइज, मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और अब मैं इस मोबाइल की बैटरी को डबल टैप की सहायता से इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। और इसके बाद में हम इसका एक बार पहले ओपन में ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद में इसके सारे पार्ट्स को बंद करेंगे। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो की हर डिटेल आसानी से समझ में आ रही होगी, और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारी बैटरी पूरी तरह काम कर रही है, इसका फ्रंट और जो साइड का एलईडी स्ट्रिप है दोनों एकदम अच्छी तरह काम कर रही है और एकदम फुल ब्राइटनेस के साथ जल रही है। तो अब मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके सारे स्क्रू को लगा देता हूँ। तो गाइज, मैंने इसके सारे स्क्रू और इसके सारे पार्ट्स को लगा दिए हैं और ये हमारी टॉर्च बिल्कुल तैयार है।
गाइज इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारी टॉर्च भी ठीक हो गई है और हमारे जो मोबाइल की बैटरी थी जो किसी काम में नहीं आ रही थी उसका भी हमने दोबारा यूज़ कर लिया और इस प्रकार हमारे लिए एक रिचार्जेबल टॉर्च बनकर तैयार हो गई और इसको हम किसी भी मोबाइल चार्जर की मदद से दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी और आपको पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देख सकते हो बैटरी का चार्जिंग इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।